मिड टर्म एग्जामिनेशन आया था एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क का, तो 30 नंबर का था ये, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, और क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है, या तो वो जैसे RARP आ गया तो या तो वो छोटे नंबर का आएगा या उसी को बड़ा करके भी पूछ सकते हैं, कुछ भरोसा नहीं है कि RARP के बारे में। देखो, एक तो इतनी प्रोटोकॉल्स है ना इसमें, इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हैं। वो थोड़ी के कर रहे थे प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, अबे लैंड पे रखते हैं प्रोटोकॉल। हाँ, तो मैं एक काम करेंगे हम, कि जो जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो भी मैं क्वेश्चन पेपर लूँगा उसमें सारी प्रोटोकॉल कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं सोच रहा था कि सारी प्रोटोकॉल्स को एक साथ बता दूँ, मगर मज़ा नहीं है क्योंकि फिर उसमें बोरिंग हो जाएगा और हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए होते हैं, तो वैरायटी नहीं मिलेगी। तो जो जो क्वेश्चंस पेपर में आएगी हम एंड टर्म के डिस्कस करेंगे, वहीं पे सारी प्रोटोकॉल ले लेंगे जो जो बीच बीच में क्वेश्चंस के रूप में आएंगे। ठीक है, तो चलो पहले इनके आंसर एक बार विजिट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP का पर्पस क्या है। तो द पर्पस ऑफ RARP, ये यानी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, साथ साथ बोलते भी रहते हैं क्योंकि याद रहता है फिर, इज़ टू ऑप्टेन एन IP एड्रेस फ्रॉम अ फिजिकल एड्रेस। यानी फिजिकल एड्रेस से IP एड्रेस ऑप्टेन करने के लिए यूज़ होती है हमारी ये वाली प्रोटोकॉल। तो हम कोई डिवाइस इस प्रोटोकॉल का यूज़ इसलिए करता है कि वो IP एड्रेस गेन कर सके अगर उसको फिजिकल या MAC एड्रेस पता हो तो। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, इस पर बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखे थे और तुम्हारे साथ भी डिस्कस कर दूंगा कि कंजेशन कंट्रोल होता क्या है, इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करो, तो बड़ा क्वेश्चन ही बन सकता है। तो शॉर्ट में क्या है कि एक इज़ द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज टू अवॉइड और एलिवेट कंजेशन इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में जो कंजेशन हो जाती है उसको अवॉइड करने की कोशिश होती है। इट इज़ अ यूज टू मैनेज द अमाउंट ऑफ डेटा बींग सेंड ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, डेटा जो सेंड हो रहा है नेटवर्क में उसको मैनेज करने का काम आता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट नेटवर्क कंजेशन। ठीक है, नेटवर्क जैसे जाम लग जाता है हमारे ट्रैफिक में, वैसा ही कुछ है, विच कैन लीड टू ड्रॉप पैकेट, इंक्रीज लेटेंसी, लेटेंसी यानी डिले ज़्यादा हो जाता है, और डिक्रीज थ्रूपुट। इसका एकदम फील आ जाएगा तुम्हें, मैं कोशिश करूँगा कंजेशन को बढ़िया से लेने की, कि डायग्राम के साथ तुम्हें समझाऊँ। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट, तो PIM, PIM कुछ कोई याद रखने की चीज़ है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट। एक मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है दैट इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद एनी यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल। एक ऐसी मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल है जो कि डिज़ाइन हो रखी है यूनिकास्ट प्रोटोकॉल के साथ काम करने के लिए। PIM इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट मल्टीकास्ट ट्रैफिक इन अ नेटवर्क, इनेबलिंग अ सिंगल मल्टीकास्ट सोर्स टू ट्रांसमिट डेटा टू मल्टीपल रिसीवर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में यूज़ होती है, और क्या करते हैं, सिंगल मल्टीकास्ट सोर्स से ट्रांसमिट करते हैं मल्टीपल रिसीवर्स में। ठीक है, इसलिए यूज़ होता है प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट का। डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन लेस सर्वर एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्वर, ऐसे क्वेश्चन जो है प्लस पॉइंट है क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कहना क्या चाह रहे हैं। तो कनेक्शन लेस सर्वर एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्वर आर टू टाइप ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, तो ये सर्विसेज की बात है, सर्वर नहीं, सर्विसेज। कनेक्शन लेस सर्विसेज डू नॉट रिक्वायर्ड अ डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, कोई डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली, हर पैकेट इंडिपेंडेंट ट्रीट करा जाता है। ओरिएंटेड सर्विस रिक्वायर्ड अ डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, तो ओरिएंटेड में डेडिकेटेड कनेक्शन होता है, और उसमें क्या होता है, डेडिकेटेड कनेक्शन नहीं होता है। एंड अ कनेक्शन इस्टेब्लिश बिफोर डेटा ट्रांसमिशन बिगेन, तो डेटा ट्रांसमिट हो जाए उससे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करा जाता है, तब जाके फाइल सेंड होती हैं। डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल DVMRP, इतनी प्रोटोकॉल है भाई। डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, एक मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम। तुम बोलोगे क्या, कैसा सेंटेंस है इसमें, उसने डेफिनेशन को इलेबोरेट कर दिया, मगर ये सच बात है। अब तुम सर्च कैसे कर सकते हो कि मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, फिर बाकी टाइप्स भी पढ़ो। ठीक है, और डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम का यूज़ हो रहा है तो DVMRP होगी। तो इट इज़ यूज टू डिस्ट्रीब्यूट मल्टीकास्ट ट्रैफिक इन नेटवर्क बाय प्रोपोगेटिंग मल्टीकास्ट पैकेट टू ऑल नोड्स इन अ नेटवर्क। तो ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम आता है बाय प्रोपोगेटिंग मल्टीकास्ट पैकेट। ठीक है, और क्या, कौन से एल्गोरिदम का यूज़ करता है, डिस्टेंस वैक्टर का। तो एक प्रोटोकॉल स्पेसिफिक मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, विच मीन्स दैट इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद स्पेसिफिक मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल्स, मतलब कुछ ही प्रोटोकॉल्स के साथ, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा बड़ा आंसर होगा इसका। लिस्ट ऑल द फीचर ऑफ BGP, BGP की क्या फीचर हैं, व्हाट आर द 3 बेसिक फीचर दैट BGP परफॉर्म्स। और यही इसी ऐसे ही क्वेश्चन का मुझे डर है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास कोई चांस नहीं मिलेगा कि अगर तुम्हें BGP के बारे में पता है तभी तुम लिख पाओगे। फुल फॉर्म ही नहीं पता, मान लो तुम कैसे, मान लो 6 नंबर का सवाल आ गया और बिना फुल फॉर्म के, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, इसलिए पढ़ लेना। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल के बारे में सर्च करो, जैसे जावा पॉइंट पे करते हो,
है ना, एक वेबसाइट है, उसमें क्या होता है कि और भी रिलेटेड दिखाता है, गीक्स फॉर गीक्स में भी दिखाता है। तो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इज़ अ राउटिंग प्रोटोकॉल यूज टू एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट एनोनिमस सिस्टम ऑटोनोमस सॉरी ऑटोनोमस सिस्टम डिफरेंट इन द इंटरनेट। सम ऑफ द की फीचर ऑफ BGP क्या है? ठीक है, पहले तो पूछे थे कि क्या फीचर्स हैं, तो वही है पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल। BGP इज़ अ पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल, जिसका मतलब है इट टेक्स इनटू अकाउंट द ऑटोनोमस सिस्टम टू रीच अ डेस्टिनेशन नेटवर्क। ठीक है, सेकेंड स्केलेबल है, एक हाईली स्केलेबल है BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बार बार बोल रहा हूँ, एंड कैन हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ राउट्स इन द इंटरनेट। पॉलिसी बेस्ड है, राउटिंग पॉलिसी बेस्ड होती है, अलाउ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू डिफाइन राउटिंग पॉलिसीज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया, जैसे AS पाथ, ठीक है, AS अगेन ऑटोनोमस सिस्टम पाथ, कम्युनिटी वैल्यू, राउट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, रूट एट्रीब्यूट्स जो भी है। मल्टी होमिंग, BGP सपोर्ट मल्टी होमिंग विच अलाउज अ नेटवर्क टू कनेक्ट टू मल्टीपल ISPs फॉर रिडंडेंसी एंड लोड बैलेंसिंग। अब रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग दो 2.5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो चीज़ों को फाइंड करो और पता लगाओ कैसे क्वेश्चन पकड़े जा सकते हैं। राउट फिल्टरिंग, BGP प्रोवाइड एडवांस फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज दैट अलाउ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू फिल्टर आउट अनवांटेड राउट। ठीक है, तो फिल्टरिंग का भी काम होता है। सिक्योरिटी, BGP प्रोवाइड सिक्योरिटी मैकेनिज्म जैसे MD5 ऑथेंटिकेशन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस एंड स्पूफिंग अटैक। तो ऐसे कीवर्ड्स दिमाग में रखोगे तो आंसर बड़ा इफेक्टिव बनेगा कि हाँ, इसको MD5 ऑथेंटिकेशन भी पता है, भले ही ना पता हो। थ्री बेसिक फंक्शन, अब अगला पार्ट था हमारे क्वेश्चन का, क्या बेसिक फंक्शन है? तो तीन बेसिक फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ नेटवर्क रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होना। तो BGP राउट्स एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क दे कैन रीच एंड द प्रिफर्ड पाथ टू रीच देम। ठीक है, पाथ सिलेक्शन की बात करेंगे तो BGP राउट यूज वेरियस क्राइटेरिया सच एज शॉर्टेस्ट ऑटोनोमस सिस्टम पाथ, लोकल प्रेफरेंस एंड MED टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ टू रीच द डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो पाथ सिलेक्शन भी फंक्शंस में आता है। पॉलिसी इन्फोर्समेंट की इन्फोर्स करता है राउटिंग पॉलिसीज को बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटर ने अलाउ करी होंगी। बी पार्ट है, ये अगेन बहुत फेमस है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। वट आर द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द फोर टाइप ऑफ लिंक्स डिफाइंड बाय ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट? तो OSPF इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है दैट इज कॉमनली यूज इन इंटरप्राइज नेटवर्क। ठीक है, OSPF डिफाइन फोर टाइप ऑफ लिंक बेस्ड ऑन द स्पीड एंड रिलायबिलिटी ऑफ द लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक, अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक इज डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू राउटर्स, दो राउटर के बीच में डेडिकेटेड लिंक है। जब भी पॉइंट टू पॉइंट आता है यही लिखना है। तो फास्टेस्ट एंड मोर रिलायबल टाइप ऑफ लिंक, अब एक ही लिंक है वो भी डेडिकेटेड है तो फिर फास्टेस्ट और रिलायबल तो होगा ही। ब्रॉडकास्ट मल्टी एसेस नेट लिंक, अब ब्रॉडकास्ट मल्टी एसेस लिंक इज अ लिंक दैट अलाउ मल्टीपल राउटर्स टू कनेक्ट टू द सेम नेटवर्क सेगमेंट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब यही है, अलग अलग राउटर जो है वो सेम नेटवर्क सेगमेंट से कनेक्ट हो, जैसे इथरनेट लेन हो गई। दिस टाइप ऑफ लिंक इज यूज टू सपोर्ट OSPF नेबर रिलेशनशिप बिटवीन राउटर ऑन द सेम नेटवर्क सेगमेंट। ठीक है, सपोर्ट करता है सेम नेटवर्क सेगमेंट में जो जो लिंक आ रहे हैं। नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एसेस लिंक, ये क्या है, सिमिलर है ब्रॉडकास्ट से बट डज नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट या मल्टी कास्ट ट्रैफिक, मतलब मल्टीपल राउटर वाला काम नहीं करता। ये जो है वैन एनवायरनमेंट में यूज़ होता है, वायरलेस एरिया नेटवर्क। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक इज अ सिंगल लिंक, ये वाला पॉइंट देखो, एक सिंगल लिंक है दैट कनेक्ट टू अ राउटर टू मल्टीपल अदर राउटर, एक राउटर को मल्टीपल अदर राउटर से कनेक्ट करता है। और ये लिंक यूज़ होता है हब एंड स्पोक नेटवर्क टोपोलॉजीज में, वेयर मल्टीपल राउटर कनेक्ट टू अ सेंट्रल हब राउटर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और नज़र आता है हमें कि ये नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ लेना। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, अगेन एक प्रोटोकॉल, मैसेज फॉर्मेट। तो किस्मत अच्छी हुई तो हमें डेफिनेशन, हमें फुल फॉर्म भी दे के रखेंगे, वरना मैसेज फॉर्मेट बताना है इसका। इज़ अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल भी एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है दैट इज़ यूज टू एक्सचेंज राउटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन राउटर्स इन अ नेटवर्क। राउटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के काम आता है। RIP मैसेज फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, इसमें कमांड होता है, वर्जन होता है, एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर, राउट टैग, और नीचे भी पहले ये पढ़ लेता हूँ। कमांड क्या होते हैं, दिस फील्ड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ RIP मैसेज सच एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स या अपडेट, किस टाइप का मैसेज है। वर्जन बताता है कि RIP 1 है या RIP 2 है। एड्रेस फैमिली आइडेंटिफायर बताता है कि दिस फील्ड इंडिकेट टाइप ऑफ IP एड्रेस बिंग यूज, 4 या IPv6। यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है IPv4 और 6 में अंतर। राउट टैग, दिस फील्ड इज यूज टू टैग राउट्स फॉर पॉलिसी इन्फोर्समेंट और
फिल्टरिंग। फिर आता है आई पी एड्रेस, दिस फील्ड स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन नेटवर्क ऑन द नेक्स्ट हॉप राउटर एड्रेस, ठीक है, अगले हॉप में, यानी अगला जब ट्रांसफ़र होगा तो क्या डेस्टिनेशन होगा। सबनेट मास्क ये स्पेसिफाई करता है नेटवर्क मास्क डेस्टिनेशन नेटवर्क का। नेक्स्ट हॉप राउटर कि अगला हॉप एड्रेस स्पेसिफाई करता है। मैट्रिक दिस फील्ड इंडिकेट द डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन नेटवर्क, जो कि हॉप्स में यूज़ करेगा। हॉप करना यानी जंप करना ही होता है, अब वो किस राउट से किस रूट से जंप कर रहा है ये सब देखना पड़ता है। एक्सप्लेन एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस इन ब्रीफ। एरर रिपोर्टिंग मैसेजेस ये टाइप ऑफ नेटवर्क मैसेज है, यूज टू इंडिकेट एरर्स और प्रॉब्लम्स इन द नेटवर्क, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। कुछ हैं डेस्टिनेशन अनरीचेबल, कि लिखा हुआ आ जाता है एरर आ रहा है कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, तो ये तभी होता है जब इट कैन नॉट रीच द डेस्टिनेशन नेटवर्क, वो रीच नहीं कर पाता। दिस कैन हैपन फॉर वेरियस रीजन सच एज इनकरेक्ट राउट या फिर नेटवर्क आउटेज, बहुत से कारण होते हैं। फिर आता है एक मैसेज हमारा एरर रिपोर्टिंग में, टाइम एक्सीडेड, सुना भी होगा तुमने। ये जनरेट होता है बाय द राउटर और होस्ट व्हेन अ पैकेट हैज़ एक्सीडेड द मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम को एक्सीड कर देता है फॉर ट्रांसमिशन। दिस कैन हैपन व्हेन पैकेट इज स्ट्रक इन अ राउटिंग लूप और व्हेन अ नेटवर्क इज कंजस्टेड, ठीक है। या तो तुम जैसे तुम कहीं नए शहर में जाते हो तो उस जगह तक पहुँचने में समय क्यों लगता है, या तो तुम एक ही जगह पर गोल चक्कर घूम रहे होगे या फिर कंजेशन या जाम जैसा लग रखा होगा। पैरामीटर प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम होती है कि दिस मैसेज जनरेटेड बाय राउटर और होस्ट जब एक इनवैलिड या अनरिकॉग्नाइज पैरामीटर आते हैं नेटवर्क में, और ये तब होता है जब मैसेज इज करप्टेड या कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन होगी नेटवर्क में। फिर आता है रीडायरेक्ट मैसेज, दिस मैसेज इज जनरेटेड बाय अ राउटर टू इन्फॉर्म अ होस्ट दैट इट शुड यूज़ अ डिफरेंट नेक्स्ट हॉप राउटर। नेक्स्ट हॉप जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए राउटर फॉर अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। तो दिस कैन हैपन व्हेन अ राउटर डिस्कवर अ शॉर्टर और मोर एफिशिएंट पाथ। तो राउटर की खास बात यही है कि उसको पता होता है कि राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। अब राउटिंग टेबल का भी अच्छा कॉन्सेप्ट है मगर शायद पेपर में ना आए, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा तो मैं बता दूंगा, वरना टेबल बनाना भी एक बढ़िया चीज़ है। एरर रिपोर्टिंग मैसेज आर एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग एंड कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व नेटवर्क प्रॉब्लम क्विकली। तो हमें आइडिया मिल जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ पे आते हैं कि कह रहे एक नीट स्केच एक्सप्लेन करने के लिए बनाओ कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट एंड कनेक्शन टर्मिनेशन। कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है और टर्मिनेट होता है यानी क्लोज होता है यूजिंग थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक प्रोसीजर जो है बहुत फेमस है और उसमें अलग अलग, जैसे यहाँ लिखा है कि एस्टैब्लिश होता है, टर्मिनेट होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, तो हम वो समझते हैं। थ्री वे हैंडशेक प्रोसीजर इज यूज बाय TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है टू एस्टैब्लिश एंड टर्मिनेट कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। तो द प्रोसीजर जो है वो कुछ इस प्रकार है। एस्टैब्लिशमेंट का देख लेते हैं, यहाँ पे बोले कि नीट स्केच भी बनाना था, ठीक है, तो यही गलती मत करना, मैं बढ़िया से तुम्हें बता रहा हूँ कि वैसा ही कुछ बनाना है। तो एस्टैब्लिशमेंट में क्या होता है, क्लाइंट सेंडर SYN लिखना, सिंक्रोनाइज या हम सिंक बोलते हैं इसको, पैकेट टू द सर्वर, द पैकेट कंटेन, अभी स्टेप वन बता रहा हूँ ना। तो क्लाइंट ने क्या करा, सर्वर को सिंक भेजा, द पैकेट कंटेन्स द इनिशियल सीक्वेंस नंबर ISN दैट इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज द सीक्वेंस नंबर ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर। ये दिमाग में रखना इस चीज़ को, ठीक है। स्टेप टू देखो, द सर्वर रिसीव द सिंक पैकेट। अब सर्वर ने क्या करा, सिंक पैकेट रिसीव कर लिया एंड सेंड अ सिंक एक यानी सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज, ठीक है, ACK पैकेट बैक टू द क्लाइंट। तो क्लाइंट पे बैक आया, अब इसका डायग्राम दिखाऊंगा ज़्यादा क्लियर होगा। द सिंक एक पैकेट कंटेन एन एक्नॉलेजमेंट नंबर दैट इज़ यूज द एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, कि हाँ एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है ऑफ द क्लाइंट सिंक पैकेट एज वेल एज द सर्वर ओन ISN। ISN यानी इनिशियल सीक्वेंस नंबर, ठीक है। स्टेप थ्री है, ये देखो कुछ इस तरह से डायग्राम दिख रहा है तुम। स्टेप थ्री आखिरी देख लो कि द क्लाइंट सर्विस रिसीव द सिंक एक पैकेट एंड सेंड द एक्नॉलेजमेंट पैकेट टू द सर्वर। अब द एक्नॉलेजमेंट पैकेट कंटेन द एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ द सिंक एक पैकेट एज वेल एज द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर ऑफ द क्लाइंट, कि अगला कौन है, ठीक है। एट दिस पॉइंट द कनेक्शन एस्टैब्लिश एंड डेटा कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। तो कुछ इस तरह से दिखता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्लाइंट ने सिंक सेंड करा तो सिंक रिसीव्ड होगा सर्वर की साइड, सर्वर ने सिंक प्लस एक यानी एक्नॉलेजमेंट डाला तो रिसीव हो गया, अब अगेन सेंड होगा एक्नॉलेजमेंट जो कि वो भी रिसीव होगा। अगला आता है कनेक्शन टर्मिनेशन का। तो टर्मिनेट होने के लिए FIN का यूज़ होता है, फिनिश। तो क्लाइंट सेंड अ फिन पैकेट टू द सर्वर, ठीक है, इंडिकेटिंग दैट इट वॉन्ट टू टर्मिनेट द कनेक्शन। तो अब पैकेट सेंड हो चुके हैं, अब टर्मिनेट करना चाह रहा है, वो फिनिश करना चाह रहा है, तो फिन भेजता है क्लाइंट। द सर्वर रिसीव द फिन पैकेट एंड सेंड एन एक्नॉलेजमेंट पैकेट बैक टू द क्लाइंट। तो बोलता है ठीक है, मैंने तुम्हारी बात को एक्नॉलेज कर लिया है। तो सर्वर सेंड करता है फिन पैकेट टू द क्लाइंट। अच्छा, स्टेप नंबर थ्री जो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता,
कहने का मतलब क्या है, डायग्राम में देखेंगे तो फिन पैकेट सेंड करता है इंडिकेट दैट इट ऑल्सो वॉन्ट टू टर्मिनेट द कनेक्शन, वो भी कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है। स्टेप फोर देखो, क्लाइंट रिसीव द फिन पैकेट एंड सेंड एन एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सर्वर। ठीक है, एट दिस पॉइंट कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। यानी वही चीज़ है, सेंड कर देखो, उसमें चार स्टेप लिखे थे ना, मगर यहाँ पे तीन ही हो रहे हैं। तो वो बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं कि उसकी तरफ से भी फिन का ओके आया, एक्नॉलेजमेंट फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट बात एक ही है। ठीक है, एक साथ भी भेजा जा सकता है। तो वही बोल रहा हूँ, सेंड करेगा फिन यानी फिनिश, क्लाइंट सेंड करेगा और सर्वर रिसीव करते ही एक्नॉलेजमेंट भी भेज देगा कि हाँ फिन प्लस ACK। तो वो रिसीव करने के बाद सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट जो कि रिसीव कर देगा हमारा सर्वर। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द हेडर ऑफ UDP। UDP का हेडर जो है वो TCP से काफ़ी आसान और सिंपल है। ठीक है, और एक्सप्लेन करना है सारी फील्ड UDP हेडर की। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए मतलब हम सारे क्वेश्चन करेंगे, मगर जो भी पढ़े में आ जाए वो तो अच्छी बात होगी। तो देखो, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP इज़ अ कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं कनेक्शन लेस। एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, मैंने अभी अभी ऊपर बताया सर्विसेज क्या होती हैं, कनेक्शन लेस सर्विसेज क्या होती हैं। तो फील आ रहा होगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ। कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज़ फॉर फास्ट लो ओवरहेड डेटा ट्रांसमिशन। तो UDP हेडर कंटेन द फॉलोइंग फील्ड, ऐसे लिखना। ठीक है, पहले तो हमारा कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हमारे बताए थे मैंने दो होते हैं, कौन से, कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड। TCP जो है वो ओरिएंटेड है, ये लेस है। लो ओवरहेड होता है इसमें डेटा ट्रांसमिशन में। और इसमें क्या दिखता है, सोर्स पोर्ट 2 byte का, डेस्टिनेशन पोर्ट 2 byte का, लेंथ 2 byte की, चेकसम 2 byte का। ये हमारा नॉर्मल टिपिकल सा UDP हेडर। ठीक है, चार ही चीज़ें हैं। तो सोर्स पोर्ट के बारे में देखते हैं। दिस फील्ड आइडेंटिफाइज द पोर्ट नंबर यूज बाय द सेंडर। सेंडर ने क्या पोर्ट नंबर यूज़ करा है। डेस्टिनेशन पोर्ट, दिस फील्ड आइडेंटिफाई द पोर्ट नंबर यूज बाय द रिसीवर। रिसीवर ने क्या पोर्ट नंबर यूज़ करा है। लेंथ, दिस फील्ड स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द UDP हेडर, UDP हेडर का क्या लेंथ है। एंड डेटा इन बाइट्स, बाइट्स में डेटा। चेकसम, दिस फील्ड इज़ यूज फॉर एरर डिटेक्शन, एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। एंड इज़ ऑप्शनल इन IPv4 बट मैंडेटरी इन IPv6। चेकसम जरूरी है IPv6। ठीक है, द UDP हेडर इज़ रिलेटिवली सिंपल कंपेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो UDP हेडर जो होता है वो बाकी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल से तो सिंपल होता ही है, क्योंकि यहाँ पे चार ही डब्बे दिख रहे हैं। और एज इट डज़ नॉट इंक्लूड सीक्वेंस नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें नहीं होती। इंस्टेड UDP रिलाई ऑन एप्लीकेशन लेयर टू हैंडल ऑल नेसेसरी एरर डिटेक्शन। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की भले ही ये प्रोटोकॉल है, मगर रिलाई किस पे करती है, एप्लीकेशन लेयर पे, कि वो सारे एरर डिटेक्शन वगैरह मैनेज कर लेगा। डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी, UDP इज स्टिल वाइडली यूज इन एप्लीकेशन सच एज वीडियो या ऑडियो स्ट्रीमिंग। ठीक है, DNS, DHCP इन सब में यूज़ होती है। ये है पेपर जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया, और इसका लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आराम से पढ़ना बढ़िया से।